नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर टीडी नॉलेज। और आज के नॉलेज में हम आपको बताएंगे कि दरअसल हम अक्सर अपने दोस्तों या परिवार के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट जाते हैं। खाने के बाद हम बिल का भी भुगतान करते हैं, पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम जितने का खाना ऑर्डर करते हैं बिल हमेशा उससे ज्यादा आता है? क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आप में से कई लोग शायद जानते भी हैं कि वो एक्स्ट्रा चार्जेस सर्विस चार्ज होता है, यानी आपके खाने के दौरान जो सेवा दी जाती है ये पैसे उसके लिए ली जाती है। परंतु क्या आपको पता है कि आप इन एक्स्ट्रा चार्जेस देने से बच सकते हैं? जी हाँ, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो आप केवल उतने ही पैसों का भुगतान कर सकते हैं जितने पैसों का आपने खाना खाया है। आपको सर्विस चार्ज देने की कोई जरूरत नहीं होती है। दरअसल रेस्टोरेंट में ले रहे एक्स्ट्रा चार्जेस को देखते हुए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अप्रैल 2017 में एक सूचना जारी किया था कि कोई भी रेस्टोरेंट किसी भी ग्राहक से उसकी मर्जी के खिलाफ सर्विस चार्ज सम्मिलित नहीं कर सकता है। यह उपभोक्ता पर निर्भर करता है कि वो सर्विस चार्ज देना चाहता है या नहीं। अगर कोई नहीं देना चाहता है तो उसे जबरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए। रेस्टोरेंट इसे अनिवार्य करता है तो उस पे उचित कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए अब जब कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो इसका निर्णय आप लें कि आपको सेवा शुल्क देना है या नहीं, और अपने पॉकेट से ज्यादा पैसे खर्च होने से बचाएं। बहरहाल आज के टीडी नॉलेज में इतना ही। आप देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।